उपचुनाव के नजदीक आते आते बयानबाजी का दौर जारी है। इसी के चलते पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हाटपिपलिया दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बयान में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा समझ गई है कि 28 विधानसभा सीटों में एक भी सीट भाजपा को नहीं मिल रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस से दमोह विधायक रहे राहुल लोधी के इस्तीफा देने व भाजपा की सदस्यता लेने पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल लोधी के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, राहुल लोधी नाम है जो श्रीमान विधायक है, ये लोधी राजवंश से आते हैं, लोधियों के राजा माने जाते थे। मैंने भी उनकी टिकट दिलाने में बड़ी मदद करी, मेरे जैसे व्यक्ति से भी टिकट दिलाने में भूल की। बात यह है कि पहले महाराजा बिका ज्योतिराज सिंधिया, अब ये लोधी वंश के राजा हैं। ये राजा ही बिक रहा है, चंद चांदी के टुकड़ों में बिक रहा है। असल में क्या है, बीजेपी समझ गई है कि 28 विधानसभा के चुनाव में एक भी सीट भाजपा को नहीं मिल रही, क्योंकि पब्लिक इस समय कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। उन्हें अपनी सत्ता को बनाए रखना है, तो इस तरह के विधायकों को वो खरीद फरोख्त कर रही, भ्रष्टाचार के पैसे से खरीद रही है कि 28 चुनाव तो हार रहे, कुछ विधायक अभी से तोड़ के रख ले। और जो विधायक जा रहे हैं उनकी औकात भी इतनी है, वो जान गए हैं कि अगला चुनाव दुनिया की कोई ताकत आ जाए तो हमको नहीं जीत पाएंगे, इससे अच्छा बिक जाओ। तो मानव बिक रहा है, विधायक बिक रहा है। दिल्ली में बैठा व्यक्ति सोच रहा है कि यार मध्य प्रदेश किस तरह का राज्य है, यहाँ विधायक सांसद बिकते हैं, तो हमारे 28 चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रदेश की जनता भी जानती है कि 28 सीट कांग्रेस जीत रही है, राहुल लोधी जैसे चले जाए